यवतमाल के रैंचो की हुई दर्दनाक मौत, अपने ही बनाए हुए हेलीकॉप्टर को उड़ाने के दौरान गंभीर रूप से घायल हुआ इस्माइल, अस्पताल में हुई मौत। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में महागांव तालुका है, यहां पर फुल सावंगी गांव है। फुल सावंगी गांव में एक रैंचो जो पिछले कुछ वर्षों से अपनी प्रतिभा, अपनी कला, अपने जोहर से एक हेलीकॉप्टर का निर्माण कर रहा था। यवतमाल के फुल सावंगी गांव के इस रैंचो का नाम है इस्माइल इब्राहिम शेख। आमतौर पर शेख इस्माइल, शेख इब्राहिम ऐसा लिखा जा रहा है। 24 वर्षीय इस्माइल ने थ्री इडियट्स के रैंचो की तर्ज पर अपनी सोच के तहत, अपनी तकनीक के तहत एक हेलीकॉप्टर बनाया था। मंगलवार को उसने इस हेलीकॉप्टर की ट्रायल लेने की कोशिश की। ट्रायल लेने के दौरान हेलीकॉप्टर का जो पंखा है, ऊपर का पंखा पीछे की दुम की पंखे से टकरा गया और फिर पंखे का एक ब्लेड जो है वो इस्माइल के सर पर जाकर लगा, जिससे इस्माइल गंभीर रूप से जख्मी होकर हेलीकॉप्टर के बाहर गिर पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस्माइल केवल 24 वर्ष में इस्माइल ने यह हेलीकॉप्टर बनाया था। उसका जो सपना था कि खुद हेलीकॉप्टर बना करके उसको उड़ाना और फिर आगे और भी इसी तरह के काम करते रहना, लेकिन ये कुदरत को मंजूर नहीं था और ट्रायल के दौरान इस्माइल के साथ हादसा हो गया और इस्माइल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके चलते यवतमाल के फुल सावंगी गांव में पूरी तरह से शोक का माहौल बना हुआ है।